एसडीओ सूरज कुमार ने ईद त्योहार के मद्देनजर मंगलवार को तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर त्योहार की विधि व्यवस्था के साथ साथ बिजली पानी की व्यवस्था पर भी चर्चा की। एसडीओ सूरज कुमार ने मंगलवार को ईद पर्व के मद्देनजर जीएनएसी एमएनएसी जिसको के अधिकारी के अलावा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पर्व के दौरान विद्युत आपूर्ति पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा करते हुए जीएनएसी एवं एमएनएसी को चिन्हित स्थलों पर टैंकर द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने की हिदायत दे दी। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने चर्चा की। जिसको हाथ में एक डिफरेंस हो जाता है, जिसको तो ट्रांसमिशन कट करना है तो उसका व्यापक प्रचार प्रसार पहले हो जाता है। हाँ ठीक है, अगर आपका ट्रांसमिशन कट हो रहा है, जनता को नहीं पता रह रही है, उनको लगता है जैसे ही ट्रांसमिशन कट है तो इमीडिएटली ट्रांसपेरेंसी से एकदम अनाउंस करवा दीजिए कि पावर लाइन ट्रांसमिशन खराब हो गया है, 5 घंटे लगेंगे बनाने में, 6 घंटे बनाने में हमें असुविधा की खेद है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना, जनता को पता रहेगा तो जनता उड़ नहीं होगी। मतला डी में विद्युत सब स्टेशन की मांग समेत अपनी 8 सूत्रीय मांग पत्र लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की। मतला डी में विद्युत सब स्टेशन ग्रिड का निर्माण, अधूरे पड़े सड़क योजना को पूर्ण करने तथा अन्य मांगों को लेकर महावीर मुर्मू के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। सूत्र डिमांड है जिसमें हम लोग पूर्व भी इसके लिए आवेदन दे चुके हैं कि ये सारे काम क्षेत्र में होना चाहिए। जैसा कि सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, हमारे रानेडी मतलाडी क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन का स्थापना होना चाहिए। उसके बाद बहुत से ऐसे खंभे हैं जहां पर तार नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, उसके लिए व्यवस्था किया जाए। उसके बाद जल की समस्या है, हमने कई दफ़े वहाँ पर बात की है पीएचडी में भी कि हर चापाकल में जहाँ पर जल अच्छे का स्रोत है वहाँ पर समर सेबुल लगाकर जल को उपलब्ध कराया। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। घाटशिला के एक बालक हॉस्टल में 26 जून को एक 6 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में झारखंड मसीही सेवा समिति ने न्यायिक जांच की मांग की है। घाटशिला स्थित एक हॉस्टल की छत पर 8 वर्षीय बालक की हत्या के मामले पर झारखंड मसीही सेवा समिति ने इसे हॉस्टल को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए मामले की न्यायिक जांच एवं हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जून में जो घटना घटा है, घाटशिला का एक हॉस्टल है जहां बच्चों को बिना किसी प्रॉफिट का उनको शिक्षा और उनके जीवन का पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया गया है, और आज एक 3 साल का बच्चा जो 10 साल का बच्चा जो वहां मर्डर हुआ है, ये लगता है कोई साजिश है। जो लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, जिन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया है, वो क्योंकि बच्चों को मरने देगा, और इसके पीछे कोई ऐसे कोई लोग हैं जो असामाजिक तत्व है और वो चाहते हैं कि ये जो अच्छा काम हो रहा है इसमें रुकावट डालें और लोगों को बदनाम करें, और हम इसका पूरा जोर से इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इसका पूरा न्याय संगत पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कल्प्रिट है उससे कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। भालूबासा स्थित काली मंदिर का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने दान पेटी चुरा लिया। मंदिर के पुजारी ने सुबह मंदिर का ताला टूटा पाया, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। दान पेटी मंदिर से कुछ दूरी पर बरामद हो गई, पर सारे पैसे गायब थे। चोरों ने अब मंदिरों पर भी निशाना साधना आरंभ कर दिया है। बीती रात भालूबासा स्थित काली मंदिर का मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पुरोहित आए तो उन्होंने ताला टूटा पाया और दान पेटी गायब पाया, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। ओम संजीवानंद महिमा है, भालूबासा है। क्या जानकारी क्या मिली आपको? अच्छा, क्या क्या ले गया चोर? पेटी जो है वो कितने का सामान क्या क्या लेके गया था चोर लोग? मंदिर का पेटी। कितना पैसा होगा? दान पेटी।